हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न आरपीएससी पर। करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज अपन 24 अप्रैल का जो करंट अफेयर्स है उसे देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे जो विगत एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन है उसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, कृषि विपणन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा कृषक उपहार योजना के तहत प्रथम पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो दोस्तों, जो भवानी मंडी कोटा के प्रदीप जो हैं, इन्हें कृषक उपहार योजना के तहत प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा कृषि विपणन विभाग के द्वारा, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 19 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की किस पोर्टल का लोकार्पण किया? तो दोस्तों, 19 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज हेल्थ, ये एक पोर्टल है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का, इस पोर्टल का लोकार्पण किया था। तो ये पोर्टल का नाम आप याद रखिएगा, राज हेल्थ। नेक्स्ट है, राजस्थान पुलिस द्वारा साइबर सुरक्षा हेतु कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो दोस्तों, साइबर सुरक्षा हेतु राजस्थान पुलिस द्वारा जो पोर्टल लॉन्च किया गया है वो है पुलिस हैकाथन। तो ये पोर्टल का नाम है पुलिस हैकाथन पोर्टल, और इसका शुभारंभ किया था उमेश मिश्रा ने, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 का आयोजन जो है वो कब किया जाएगा? तो डेट याद रखिएगा, 28 अप्रैल से 7 मई 2023 तक जवाहर कला केंद्र जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। और किसका है आयोजन? राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023, 28 अप्रैल से 7 मई 2023 तक जवाहर कला केंद्र जयपुर। नेक्स्ट है, 20 से 23 अप्रैल 2023 तक राष्ट्रीय आयुष मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों, 20 से 23 अप्रैल 2023 तक राष्ट्रीय आयुष मेले का आयोजन जो है वो JECC सीतापुरा जयपुर में आयोजन किया जा रहा है, इसका राष्ट्रीय आयुष मेले का। नेक्स्ट है, उदयपुर के कलेक्टर ताराचंद मीणा को किस नवाचार हेतु मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, उदयपुर के जो कलेक्टर हैं ताराचंद मीणा, इन्हें मिशन कोटड़ा के लिए जो ये नवाचार किया था, उदयपुर के कलेक्टर ताराचंद मीणा ने मिशन कोटड़ा, इसके लिए मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो आप नाम याद रखिएगा कलेक्टर का, ताराचंद मीणा। नेक्स्ट है, वीरता पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन है? तो दोस्तों, वीरता पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी जो है वो है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, और ये दीपिका मिश्रा जो है ये कोटा से हैं, तो कोटा से बिलोंग करती हैं। तो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, ये याद रखिएगा, ये वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी हैं। और दीपिका मिश्रा को 2021 में मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान में असाधारण शौर्य के लिए वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा नाम, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये रहने वाली है कोटा की। नेक्स्ट है, 21 अप्रैल 2023 को राजस्थान मत्स्य योजना या राज मत्स्य योजना के पोर्टल का लोकार्पण किसने किया? तो राज मत्स्य योजना जो है, इस पोर्टल का लोकार्पण किया था लालचंद कटारिया ने, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जोधपुर स्थापना दिवस के अवसर पर मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिहा सम्मान किसे दिया जाएगा? तो दोस्तों, जोधपुर स्थापना दिवस के अवसर पर मारवाड़ का जो सर्वोच्च सम्मान है राव सिहा सम्मान, ये किसे दिया जाएगा? तो ये है रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव, जो केंद्र सरकार में रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इन्हें राव सिहा सम्मान दिया जाएगा। और दोस्तों, जो पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान जो है ये दिया जाएगा कालूनाथ कालबेलिया को। तो ये दो पुरस्कार जो हैं जोधपुर स्थापना दिवस पर दिए जाएंगे, तो ये याद रखिएगा, राव सिहा सम्मान जो है वो दिया जाएगा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को, और पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान जो है ये दिया जाएगा कालूनाथ कालबेलिया को। नेक्स्ट आगे चलते हैं, मुक्त व दूरस्थ शिक्षा में किस वर्ष तक विद्यार्थियों के सकल नामांकन व अनुपात को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों, जो सकल नामांकन अनुपात है इसे 50% तक बढ़ाने का जो लक्ष्य है ये कब तक रखा गया है? तो वर्ष 2035 तक 50% तक बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो है 2035 तक, तो ये आप याद रखेगा। नेक्स्ट है, 20 अप्रैल 2023 को सिविल सेवा दिवस 2023 के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में जो है वो कहाँ आयोजित किया गया? तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर जो है यहाँ पर राज्य स्तरीय आयोजित किया गया था सिविल सेवा दिवस 2023 के अवसर पर। इस आयोजन की जो थीम थी वो है प्रतिबद्ध प्रशासन,
राज्य में सुशासन, ये इस आयोजन की थीम थी। तो ये थीम भी आप याद रखिए, प्रतिबद्ध प्रशासन राज्य में सुशासन। नेक्स्ट है जो अभी हाल में सीएम एक्सीलेंट अवार्ड जो दिया गया, उत्कृष्टता पुरस्कार जो है जिसे हम कहते हैं उत्कृष्टता पुरस्कार, तो ये किन्हें किन्हें दिया गया, तो एक है सुशील कुलहरी और डॉक्टर नीतीश शर्मा, एक है पाली के कलेक्टर नामित मेहता, झालावाड़ के कलेक्टर भारतीय दीक्षित, बाड़मेर के कलेक्टर लोक बंधु और उदयपुर के कलेक्टर ताराचंद मीणा। ये ताराचंद मीणा का तो मैंने बताया था, जो मिशन कोटड़ा है उनके लिए इन्हें जो सीएम एक्सीलेंस अवार्ड है वो दिया गया है। तो ये कुछ थे नाम जिन्हें हम जिन्हें अभी सीएम एक्सीलेंट अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार देश के सर्वाधिक व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में जयपुर का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये 13वें स्थान पर आता है। तो 13वां स्थान इसने हासिल किया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कुछ विगत एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जालौर जिले का प्रतिनिधित्व करता है। एएसओ एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखे हैं डोल नृत्य, चंग नृत्य, गींदड़ नृत्य या बम नृत्य। तो दोस्तों जो जालौर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है या जो नृत्य जालौर जिले का प्रतिनिधित्व करता है वो है दोस्तों ढोल नृत्य। ढोल नृत्य जो है ये जालौर ज़िले का है और ये जालौर ज़िले में सांचलिया संप्रदाय जो होता है, तो जालौर का सांचलिया संप्रदाय के जो पुरुष लोग जो होते हैं उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और कब किया जाता है, तो ये शादी के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। तो जालौर के सांचलिया संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा शादी के अवसर पर किया जाने वाला जो नृत्य है वो है ढोल नृत्य। और ढोल नृत्य में ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ढोल नृत्य में जो ढोल है वो कौन सी शैली में बजाया जाता है, तो उस शैली का नाम है थाकना शैली। तो थाकना शैली में ये ढोल बजाया जाता है ढोल नृत्य में। और इस नृत्य को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो जाता है जय नारायण व्यास को, जोधपुर के जय नारायण व्यास को इस ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। जोधपुर के मुख्यमंत्री, जोधपुर से मुख्यमंत्री रहे जय नारायण व्यास को। तो ये था ढोल नृत्य। चंग नृत्य जो है दोस्तों, चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है। चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है और शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है चंग नृत्य। गिंदर नृत्य जो है ये भी शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है और शेखावाटी क्षेत्र में गिंदर नृत्य भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, कौन सा नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, कौन सा युगल नृत्य होता है और कौन सा नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो आप इन्हें याद रखिएगा कि कौन सा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। तो ये चंग और गिंदर नृत्य ये दोनों ही शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य हैं और दोनों ही पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बम नृत्य जो है, बम नृत्य अलवर भरतपुर का नृत्य है, अलवर भरतपुर साइड में ये नृत्य किया जाता है बम नृत्य। और ये नृत्य भी पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो ये नृत्य से संबंधित क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे चलते हैं, राजस्थान के किस जिले में सेम की समस्या द्वारा कृषि को क्षति पहुंची है। ये भी एएसओ एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों सेम की समस्या जो है ये सर्वाधिक है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण जिसे हम INGP कहते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इस परियोजना के कारण जो हनुमानगढ़ क्षेत्र है, हनुमानगढ़ क्षेत्र में सेम की समस्या ज़्यादा है और वहाँ पे कृषि को नुकसान पहुँचा है। सेम की समस्या का मतलब ये होता है कि वहाँ पे जो इंदिरा गांधी नहर जो है उसके पास वाले इलाकों में पानी जो है वो सतह पर आकर इकट्ठा हो जाता है और एक प्रकार से दलदल जैसा बन जाता है। तो इस हिसाब से वो कृषि को क्षति पहुँचती है। तो ये समस्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो हनुमानगढ़ क्षेत्र में सेम की समस्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, रीट एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों ये तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है कि अमर सागर किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों अमर सागर तालाब जो है वो किस जिले में स्थित है, तो अमर सागर जैसलमेर में स्थित है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, निम्न में से
रचना और रचयिता का गलत युग्म कौन सा है ये आपको बताना है। राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा LDC 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीर विनोद हैं, वीर विनोद के लेखक हैं श्यामल दास, तो ये एकदम राइट है। बातारी फुलवारी ये मैंने कल के वीडियो में बताया था, ये विजयदान देथा है इनके, तो बातारी फुलवारी विजयदान देथा राइट है। वीर विनोद के रचयिता श्यामल दास राइट है। पीथल और पाथल ये कन्हैयालाल सेठ है, ये भी राइट है बिल्कुल। जब चेतावनी का चुंटिया या चेतावनी रा चुंटिया ये जो है ये सीताराम लालस की रचना नहीं है, चेतावनी रा चुंटिया जो है ये रचना है दोस्तों केसरी सिंह बारट की। जो केसरी सिंह बारट जो है इन्होंने चेतावनी रा चुंटिया की रचना करी थी, और कब करी थी तो जब महाराणा फतेह सिंह जो है, कौन है महाराणा फतेह सिंह, जब 1903 के लॉर्ड कर्जन के जो दिल्ली दरबार है जो 1903 में आयोजित हुआ था, तो 1903 के जो लॉर्ड कर्जन का दिल्ली दरबार है उसमें शामिल होने से रोकने के लिए केसरी सिंह बारट ने चेतावनी रा चुंटिया लिखा था। सीताराम लालस जो है दोस्तों, सीताराम लालस ने राजस्थानी भाषा शब्दकोश लिखा था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको राजस्थानी भाषा की, राजस्थानी जुबा की मसाल भी कहते हैं सीताराम लालस को, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अभी मैंने ये लास्ट क्वेश्चन में बता दिया था, वन रक्षक परीक्षा 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चंग नृत्य जो है शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है और पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो शेखावाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, एसओ एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों मानसून पैलेस या मानसून महल के नाम से जो दुर्ग जाना जाता है वो दुर्ग है दोस्तों सज्जनगढ़ दुर्ग, जो उदयपुर में स्थित है। और दोस्तों इस सज्जनगढ़ दुर्ग को उदयपुर का मुकुटमणि भी कहा जाता है, उदयपुर का मुकुटमणि भी कहा जाता है। और ये जो दुर्ग हैं ये उदयपुर में बांसदरा पहाड़ी पर स्थित हैं, या बांसदरा पहाड़ियों पर निर्मित है, तो आप ये याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लेते हैं बांसदरा पहाड़ियों पर निर्मित महल का नाम, तो बांसदरा की पहाड़ियों पर जो निर्मित महल है वो है सज्जनगढ़ दुर्ग, जिसे मानसून पैलेस भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, पटवार भर्ती परीक्षा 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्राचीन भारत का टाटा नगर जो है वो कहा जाता है रेड टोंक को, तो ये इसका राइट आंसर है, ये सभ्यताओं से संबंधित क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे चलते हैं, डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है, ये जेल प्रेरी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो डॉक्टर केदारनाथ पुरी जो है ये रेड टोंक के पुरातात्विक स्थल जो है इसके अनुसंधान करता है, तो ये भी याद रखिएगा, केदारनाथ पुरी रेड टोंक में अनुसंधान करता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोहरा समाज जो है इनका उर्स कहाँ पड़ता है। तो दोस्तों बोहरा संप्रदाय जो है, या बोहरा समाज जो है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का सबसे प्रसिद्ध जो मेला है वो लगता है दाऊदी बोहरा संप्रदाय का गलियाकोट डूंगरपुर में, तो गलियाकोट डूंगरपुर में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का सबसे प्रसिद्ध बड़ा मेला पड़ता है, जो है भाई सैयद फखरुद्दीन की मजार जो है, सैयद फखरुद्दीन की मजार जो है यहाँ पे उर्स भरता है, सैयद फखरुद्दीन की मजार जो है गलियाकोट डूंगरपुर में, यहाँ पे जो उर्स भरता है वो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का सबसे प्रसिद्ध मेला है, तो ये आप याद रखिएगा, बोहरा संप्रदाय का उर्स गलियाकोट डूंगरपुर में, और वहाँ पे कौन सी मजार है, तो सैयद फखरुद्दीन की मजार है। नेक्स्ट आज का अंतिम क्वेश्चन, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को जाना जाता है। तो दोस्तों बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन दे रखे हैं कांठल, भाकर, गिरवा, मेवल। तो दोस्तों कांठल जो है ये कहा जाता है माही नदी के जो काठा होता है, माही नदी के तट को कांठल कहा जाता है, और मुख्यतः कांठल कहा जाता है प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को, तो कांठल तो हो गया माही नदी के तट को। भाकर जो है दोस्तों, भाकर सिरोही क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है, जो सिरोही क्षेत्र है इसके आसपास के क्षेत्र को भाकर कहा जाता है। और जो गिरवा है, तो गिरवा जो है वो कहा जाता है उदयपुर के आसपास जो तश्तरी नुमा बेसिन है या पहाड़ियाँ हैं उन्हें कहा जाता है गिरवा। और मेवल जो है, ये मेवल दोस्तों बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को मेवल कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवल। और दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा के उधर का जो क्षेत्र है वो भागड़ क्षेत्र भी कहलाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, भागड़ क्षेत्र जो है कौन सा कहा है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र जो है वो भागड़ क्षेत्र भी कहलाता है। तो ये कुछ
आज के जीके और करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके सामने लेकर आते रहें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।